नमः शिवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, आप सबको पता है कि 5 अगस्त को सावन की अष्टमी का दिन है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा नशा करता है, चाहे वो शराब का हो, सिगरेट का, तम्बाकू का, गुटखे का, किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो ये उपाय उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये उपाय भी मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा से सुनकर ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको 5 समी पत्र लेने हैं, 5 बेल पत्र लेने हैं और 5 बेर के पत्ते। बेर जो हम महाशिवरात्रि पर शिव जी को अर्पण करते हैं, बेर जो फल होता है, उसके आपको 5 पत्ते लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जो आपने जो बेर के पत्ते लिए हैं, उसमें 5ों पत्तों पर आपको लाल चंदन का लेप करना है। बेर के पत्तों पर आपको लाल चंदन का लेप करना है। आपको जो बेलपत्री लिए हैं, जो आपने बेलपत्र लिए हैं, उन पर आपको पीले चंदन का लेप करना है और समी पत्र पर आपको कुछ भी लेप नहीं करना है। अब अष्टमी तिथि के दिन आपको किसी भी समय शिव मंदिर जाना है। अब आपको शिवलिंग पर सबसे पहले बेर के 5ों पत्ते एक एक करके आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। कौन से पत्ते? बेर के पत्ते। सबसे पहले आपको बेर के पत्ते एक एक करके शिवलिंग पर अर्पण करने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको बेलपत्री के एक एक पत्ता आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको समी पत्र एक एक करके अर्पण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ बैठकर मंदिर के पास आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपनी मनोकामना वहाँ रखनी है। उसके बाद आप वहाँ से जो आपने जो पत्ते आपने अर्पण किए हैं, वो आप 15 पत्ते, जो 5 तो आपके बेल के हो गए, 5 समी पत्र और 5 बेर के, आप उन 15 पत्तों को उठाकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लाएं और उन 15 पत्तों को आप बेलपत्री के जड़ पर समर्पित करें और एक लोटा जल चढ़ाकर और किसका नाम लें? अवधूतेश्वर महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें। और उसके बाद जो चढ़ाई हुई 5ों बेलपत्री हैं, आपको वहाँ से उठा लेनी है। आपको केवल बेलपत्री ही 5ों उठानी है और इन 5ों बेलपत्रियों आपको जो नशा करने वाला इंसान है, आपको 21 दिन तक खिलानी है। यानी आपको एक बार ही उपाय करना है, ये उपाय आपको केवल एक बार करना है, लेकिन चढ़ाई गई 5ों बेलपत्री को आप अपने हिसाब से 21 दिन में खिलाकर, जो आप इंसान नशा करता है, 21 दिन में खिलाकर ख़त्म करनी है। और ये बेलपत्री खाते ही देखेंगे आप कि कुछ ही दिनों में उसका जो नशे करने की आदत है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब ये उपाय करें तो आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें, और जब आप बेलपत्री उस इंसान को खिलाएं तब भी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। और ये उपाय जरूर ही लाभकारी होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।